नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार स्नेहलता चौहान को खरीफ और रबी की फसल की बीमा करवाए जाने के बाद शॉर्ट फॉल रिपोर्ट दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंप फसल बीमे की राशि कम दिए जाने का आरोप लगाया व स्थानीय कोट चौराहे पर किसानों ने ईस्ट वेस्ट कंपनी के भिंडी के बीज नकली दिए जाने पर कंपनी का पुतला फूंका। दरअसल किसानों द्वारा वर्ष में दो फसल खरीफ और रबी की फसल के लिए बीमा करवाया जाता है, वहीं आंधी तूफान और बेमौसम बारिश से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं फसल बीमे का पटवारियों द्वारा मूल्यांकन करने के बाद भी फसल बीमा राशि कम मिलती है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज भरी दोपहर में करीब 42 डिग्री तापमान में किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर ओलंपिक सर्कल पर फसल बीमा का पुतला फूंक विरोध करवाया गया। इसके बाद स्थानीय कोट चौराहे पर किसानों ने ईस्ट वेस्ट कंपनी के भिंडी के बीज नकली दिए जाने पर कंपनी का पुतला फूंका। दरअसल जिले के कई क्षेत्रों में किसानों द्वारा खेतों में भिंडी लगाने ईस्ट वेस्ट कंपनी का बीज लगाया था, जिससे किसानों को भिंडी की उपज नहीं मिलने और भिंडी की फसल खराब होने पर ईस्ट वेस्ट कंपनी का विरोध कर स्थानीय कोर्ट चौराहे पर ईस्ट वेस्ट कंपनी का पुतला फूंका। बता दें, कुछ दिनों पूर्व उद्यानिकी विभाग में बड़ी संख्या में ईस्ट वेस्ट कंपनी पर कार्यवाही करने ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर विरोध स्वरूप कोर्ट चौराहे पर कंपनी का पुतला फूंका गया। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी, कलेक्ट्रेट किस विषय को लेकर? कलेक्टर, हम इस विषय को लेकर आए भाई साहब कि जो बीमा कंपनी है, फसल बीमा कंपनी किसानों से हर वर्ष दोनों फसलों का बीमा करती है और करोड़ों रुपए लेती है प्रीमियम के नाम पर, और जो देता है वो कुछ रुपए में देता। तो प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन धरना आंदोलन किया है और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए हैं। और दूसरा विषय था, हमारे किसानों ने एक विस्ट कंपनी का भिंडी का बीज खरीदा था, उसमें उत्पादन जीरो हुआ है। कम से कम 160 आवेदन आए हैं अपने विभाग के अंदर, तो उस कंपनी के ऊपर उचित कार्रवाई कर और किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया था क्या? अब पूर्व में उद्यानिकी विभाग में ज्ञापन दिया हम लोगों ने, ज्ञापन में अब ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई होना है, वो हो ही नहीं अभी तक। अब कार्रवाई नहीं हुई तो हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे आज। और क्या कर रहे हैं इसके विरोध में? इसके बाद में हम बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बाम्बू। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।